आई एम ए टीचर फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 12 IITG मेंस एंड एडवांस। आज हम जिस टॉपिक बात कर रहे हैं वो क्लास 11 के लिए सेट्स टॉपिक बात करेंगे और मेरा बेसिक बुक्स होगा NCERT। और इसमें हम सीखेंगे, इस वीडियो जो हम सीखेंगे, पहला चीज इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, क्या को कह सकते हैं कि डिफिनेशन या सेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, सेट्स वर्ड से आपकी दिमाग में किस टाइप की पिक्चर बनती है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे हम लोग कि इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद इसकी जो बात करनी है इस वीडियो में वो एक्सरसाइज 1.1 ऑफ फॉर्म NCERT के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और जिसमें आपका हमें सहयोग होगा। तो पहले हम सेट्स का इंट्रोडक्शन और इसका किस टाइप की पिक्चर हमारे दिमाग बनता है उस पर बात करते हैं। देखिए, सेट्स जैसे ही हम नाम देते हैं तो हमारे दिमाग में लगता है, दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि सेट ऑफ समथिंग, सेट्स ऑफ समथिंग डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कुछ जैसे सपोज करके सेट्स, मतलब अगर हम सेट्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि कुछ खास वस्तुओं का कलेक्शन। तो उस खास वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है उसको एज ए डिफाइंड कर देते हैं, तो उनसे हमें समझ में आ जाता है, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे इनका जो डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन आप देख सकते हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड को अंडरलाइन कर लेते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर चीज के डिफिनेशन में उनके जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं वर्ड्स से हम इनको समझ पाते हैं कि सेट को, किसी चीज़ का जो डिफिनेशन होता है उनसे हमें पता चल जाता है, उस डिफिनेशन में जो वर्ड्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस चीज़ को कैसे हम पिक्चराइज करें। पहला देखिए, अंडरलाइन जो हमने किया है, वेल डिफाइंड जो सेट होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सपोज कीजिए, इस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, ये सब चीज़ें बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स आर सेट्स आर साइनोनिम्स, तो ये एक साइनोनिम्स है, एक ऐसा ही टर्म है। उसके बाद सेट्स को यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, इसको कैपिटल लेटर और भी लेटर हो सकते हैं डॉट डॉट। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनके एलिमेंट्स जो होते हैं स्मॉल लेटर ए बी सी ई एफ जी टी यू, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर द्वारा इंडिकेट करते हैं, और जो सेट्स होते हैं उसको कैपिटल लेटर द्वारा इंडिकेट की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम सबने कहा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स और सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि सेट्स को कैसे लिखा जाए, रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे एक सेट है उसमें एक एलिमेंट मान लिया हमने कि ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इन देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश इन विच
These letters are vowels in English. इसको हमने एक सेट बना लिया और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप की साइन देनी होती है दोनों साइड, इसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं। और इसमें सेट्स में क्यों ध्यान रखना होता है, जैसे एक टाइप की साइन यहाँ पर आएगी इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ए जो है हमारा एक एलिमेंट है इन सेट ए, तो ये जो वर्डिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब ए स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो सेट ए में लाइ करती है, बिलोंग्स करती है या उसमें प्रेजेंट है, ये मतलब। अगर इसी चीज को बोलूं मैं कि यहाँ पर एफ जो है एफ एक एलिमेंट है यहाँ पर ए, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर इनको ट्रू स्टेटमेंट बनानी है इसको कहेंगे एफ नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। इसका यूज भी हमारे सेट्स में होते हैं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद हमने देखा अगर कोई सेट ए है उसके इस एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है उसके बीच में कोमा डाल करके उसको रिप्रेजेंट की जाती है, और इसका मतलब होता है इसके बीच में ये फाइव एलिमेंट्स ही अवेलेबल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म तो हमने देख लिया, इसके बाद इन्हीं को हम कहें कि इसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है आपका सेट ब्यूल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, किसी भी सेट्स का प्रॉपर्टी हम बताते हैं। सपोज कीजिए ए हमारे पास है ए पी आई ओ यू, इसमें हमारे पास ये फाइव लेटर्स है, इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फा। तो अब इस राइटिंग से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस जो एक्स है, एक्स एक एलिमेंट है, एक्स की ये सारी प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को हम देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इनके बाद हम एक सेट, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इस सेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हमें समझ में आ जाती है इनका क्या क्या एलिमेंट होगा या इसके एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेट है हमारे पास, मान लीजिए बी सेट है, ये सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, विच डिवाइड्स 42, मतलब कहने से है कि x वैसा एलिमेंट है जो 42 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये नंबर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये नंबर जो हो सकते हैं इनको रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसके नंबर जब अलग अलग हो जाते हैं कोमा में आ जाते हैं इनको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। 42 को जो डिवाइड करती है वो नंबर होता है 1 और क्या होता है 2, 3, 6, 7, 14, 21 और खुद 42। तो ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स को इस स्टेटमेंट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आपको समझ में आ गई होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी उस इस सेट के जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी फॉर्म इसको लिखा जाता है और इसको कोमा द्वारा सेपरेटेड कर दी जाती है, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है, अगर हमने एक पूछा कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको कैसे लिखेंगे, एक सेट बनाते हैं इन रोस्टर फॉर्म में, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 9 होगा, दीज आर द नंबर, इसी को लिख सकते हैं, ये है रोस्टर फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन टेन। जब हमने ये लिखा इसका क्या मतलब हुआ, हम इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सेकंड वाले सेट है जिसमें प्रॉपर्टी लिखी हुई है
वो प्रॉपर्टी क्या है, इस इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा सेट है बी, जिसमें लिखा हुआ है, हमने पहले प्रॉपर्टी फॉर्म लिखी है, एक्स इज सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन मतलब इनका जो वैल्यू आएगा एक्स का, दिस इज द नंबर। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। आई एक्सपेक्ट कि आपको फैक्टराइजेशन आती होगी। अब इसमें एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स माइनस थ्री माइनस टू कॉमन लिया, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया टू और एक्स का वैल्यू थ्री। अब इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ये हो गया टू थ्री, और इसमें जो साइन आती है ये आती है, इसको कहते हैं ब्रैसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने दो चीज़ें अभी तक सीख लिया, व्हाट इज द सेट एंड व्हाट हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये दो चीज़ें अभी आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसके बाद सेट्स की कुछ खास बातें हैं। जैसे सपोज करो कि एक वर्ड है एस सी एच स्कूल, अब इनसे एक सेट बनानी है। मान लो एक सेट बनाया, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ऐसा होगा ये होगा, इस इंग्लिश लेटर से स्कूल लेटर स्कूल वर्ड से हमें एक सेट बनानी है। तो सेट बनाने क्या करते हैं, एस सी एच ओ एल, जो चीज़ें दो बार रिपीट होती है उसको हमें एक ही बार लिखना होता है, दो बार लिखने का कोई रिलीवेंस नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गए। अब एक एग्जाम्पल वन है, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल वन में कहता है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। पहले एक काम कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। तो इनको फैक्टराइज करते हैं, ये टू एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो, ये एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू ये माइनस वन कॉमन लेंगे दोनों से, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। इसमें क्या होता है कि आइदर एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इजिकल टू वन हो गया, और एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो, एक्स का वैल्यू माइनस टू हो गई। अब ये जो वन और माइनस टू है, दिस इज द एलिमेंट, इस सेट को हम ये मान लें, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि ध्यान रखना है, इस सेट में हमारे पास दो ही एलिमेंट हैं, एक टू है एक माइनस वन है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल टू, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या कह रहा है कि राइट द सेट, और सेट क्या लिखना है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। ध्यान दीजिए, इनका भी बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू निगेटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर में निगेटिव ले या पॉजिटिव ले फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट लेस देन 40 कई सारे नंबर के हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव पर ही कंसिडर करेंगे। तो ये जो सेट हमारे पास दिया हुआ है, इस सेट में जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका एलिमेंट वन इंटीजर है तो वन लेंगे, ठीक है, तो वन लेंगे तो वन स्क्वायर क्या होता है, लेस देन 40, टू स्क्वायर लेस देन 40, थ्री स्क्वायर लेस देन 40, उसके बाद फोर स्क्वायर लेस देन 40, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद फाइव स्क्वायर लेस देन 40, यहाँ पर देखते हैं कि फाइव स्क्वायर लेस देन 40 है, सिक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, इसके बाद सेवन स्क्वायर जो होती है 49 होता है, जो ग्रेटर देन 40 होती है।
हमें यहाँ तक ही देखना है। इसमें सेट का जो एलिमेंट्स हो जाएगा, एलिमेंट क्या क्या हो रहा है, वन हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। ओके, अब तीसरा एग्जांपल जो आपको दिया हुआ है वो एग्जांपल देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव डॉट डॉट डॉट। इसको हमें क्या करना है कि ये रोस्टर फॉर्म में है, टेबलर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, एन जो होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसको हमने अभी सीखने हैं। तो इस तरीके का जो एग्जांपल थ्री था आपका, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद एग्जांपल फोर जो है आपका, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट दी हुई है, राइट द सेट। सेट क्या है, सेट है आपका वन बाय टू, टू बाय कॉमा टू बाय थ्री, थ्री बाय फोर, फोर बाय फाइव एंड सिक्स बाय सेवन। ये हमारा एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, तो ए सेट ए मान लीजिए। अब इस सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है, इसको लिख सकते हैं हमने। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितना ऊपर है उससे एक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर जो फॉर्म होगा, ये होगा एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ एन जो होती है कहाँ से कहाँ तक, वन से बड़ा, एन लेस देन इक्वल टू सिक्स। ओके, वन से लेकर के सिक्स तक हमारी वैल्यू आएगी। हमने इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब भी यही होता है, मतलब दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। ओके, अब इसमें एक है एग्जांपल फाइव में कह रहा है आपको मैचिंग मैचिंग करनी है। मैचिंग मैचिंग करने का मतलब होता है पी आर आई, इसमें वन, सो वन नंबर है